सहारा समूह सुब्रत राय की बड़ी मुश्किलें 115 मामलों में करीब 175 करोड़ रुपए की होगी वसूली। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि इस प्रक्रम में आईपीएस स्तर के अफसरों की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की जाएगी और आरोपियों को वारंट शामिल किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की अध्यक्ष वाली 3 सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया है। इस मामले में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य अतुल कुमार चटर्जी ने जानकारी दी कि इससे पहले भी आयोग ने 19 दिसंबर 2022 को 3 मार्च 2023 को डीजीपी को निर्देश दिए थे कि जब डीजीपी को निर्देश दिए थे कि वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी से संपर्क कर आरोपियों को वारंट की तामील करना सुनिश्चित करें और उन्हें गिरफ्तार कर पेश कराएं। जमानती वारंट की स्थिति में जमानत केवल तभी दी जाए जब कोई हैसियतदार व्यक्ति आरोपी की जमानत देने को तैयार हो जाए। ऐसा नहीं हो तो उस जमानत को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया जाए, लेकिन उन निर्देशों की पालन नहीं हुआ और कारण यह कि नए स्टर के निर्देश दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला? अब पूरा मामला जानना बहुत जरूरी है। साल 2005 में जयपुर के बिलवा में लोगों ने सहारा प्राइम सिटी में मकान बुक कराया। साल 2012 तक उन्होंने मकान की तय राशि भी कंपनी में जमा करा दी, लेकिन उन्हें साल 2019 तक मकान का कब्जा नहीं दिया गया। इस पर उपभोक्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अलग अलग परिवाद पेश किए, जिस पर अक्टूबर 2019 और उसके बाद आयोग ने वसूली की गई राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिए, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हुआ। मामले में आयोग ने पूर्व में सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित अन्य के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि सुब्रत राय को पकड़ के सीधे जेल में बंद करके उसके सारा संपत्ति कुर्क करके और ग्राहकों और जो पैसा निवेश किए हैं और जो पैसा मकान खरीदना चाहते हैं उनको दे देना चाहिए? सरकार बहुत देरी कर रही है, आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।